व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं अजीत भारती एड्रेसेस ध्रुव राठीज डिक्टेटरशिप एलिगेशंस पार्ट टू। पार्ट वन पे हमने रिएक्ट कर दिया, पार्ट बाय पार्ट हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो काफी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो अब हम देखते हैं वीडियो और आगे क्या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर होने वाला है। बाकी चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मैं एक बार देखता हूँ, मेरे को समझ में आएगी नहीं। तो आप ये कह रहे हो बेसिकली कि एक सेट ऑफ डिस्कोर्स में एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनको अलाइव एंड वेल रखा जाता है कि तुम ऐसा करो, तुम अपनी बकवास करते रहो, ताकि उनके काउंटर पॉइंट जब रूलिंग डिस्पेंसेशन अपने एंड से निकाले तो उससे एक स्ट्रेंथ क्रिएट हो उनकी पॉलिटिक्स में। तो एट दैट पॉइंट क्या इज इट सेफ टू से कि डिफैक्टो डिक्टेटरशिप पे तो हम आते हैं, बट डिफैक्टो ध्रुव राठी, रवीश कुमार, जुबैर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, कर ही रहे हैं। वो मदद बीजेपी को ही मिलती है। बीजेपी जब राम मंदिर की बात नहीं करता है ना, तो ये लोग राम मंदिर को ले आते हैं और बीजेपी जस्ट वेट्स एंड पाउंसेस अपॉन। जो ही ये थोड़ा सा लेकर के आएंगे, तुम बीफ के ऊपर बात करने आए हो, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बात करने आए हो। 12,769 करोड़ का अगर इसे घोटाला माना जाए, घोटाला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तब कहा कि इसमें यूजर्स का नाम जो है आप नहीं बता रहे, वोटर्स को राइट है। चलो हम मान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आगे मैं चला जाता हूँ, बोलता हूँ ये घोटाला है यार। तो 1421.7 करोड़ जो कांग्रेसियों ने लिए हैं उसी में, और 2019 से कांग्रेसी कह रहा है, और ध्रुव राठी भी ये बात बोल रहा है, रवीश भी बोल रहा है, जुबैर भी बोल रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है स्कैम है। तो 19 से 23 तक में जो तुमने 1421 करोड़ रुपये लिए, तुमने क्यों लिए, किसने इनकैश करवाया, वो लौटा दो तुम। हाँ। जब तक आप वो पैसा लौटा नहीं रहे हो, तब तक आप उसको स्कैम कैसे बोल सकते हो, और भाजपा पे ही क्यों लाद रहे हो कि ये स्कैम है। और तुम उस पार्टी को डिफेंड करते हो, स्कैम की बात कर रहे हो, जिनका मिनिमम घोटाला 1,00,000 करोड़ में होता है। 1.76 लाख करोड़, 1.86 लाख करोड़ कोल और 2G स्कैम है। कॉमनवेल्थ का 70,000 करोड़ का घोटाला है, JNK क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला है, टाटा ट्रक स्कैम है, अगस्टा वेस्टलैंड है। मतलब हर वर्ष में इनके एक बड़े मतलब एक कंसिस्टेंट तो ये सब चीजें होती हैं। और तुम इलेक्टोरल बॉन्ड या जो नॉन एंटिटीज या फर्जी की चीजें हैं जिस पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते, उसको सबसे बड़ा बना करके लाते हो, तो तुम एक तरह से हेल्प कर रहे हो भाजपा को अपनी बात कहने में। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटलीस्ट डिस्कशन में, और मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कोर बीजेपी लिटरेट, पॉलिटिकली लिटरेट नहीं बट अदरवाइज लिटरेट वोटर के मन में जहां से संदेह क्रिएट होना शुरू हुआ है या होने लग रहा है या हो सकता है, उसका एक बहुत बड़ी कड़ी इस वक्त पे मेरे को लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो सकती है। तो उस पर मैं आता हूं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एक लेवल पे आपकी बात समझा कि ये मैन्युफैक्चर्ड कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि इस मैन्युफैक्चर्ड कॉन्ट्रोवर्सी से पॉलिटिक्स बड़ी ईजी हो जाती है रूलिंग पार्टी के लिए। ये बात मैं आपकी बात समझ गया। और एक हम मजाकीय सेंस में कह सकते हैं कि ये लोग इवन दो अपने एंड से ध्रुव, एंड नो शेड ऑन ध्रुव, राइट, मतलब मेरे को लगता है ध्रुव ऑपोजिशन के लिए एक सुपरस्टार है, और जेन्युइनली जो सेंसेशन ध्रुव क्रिएट करता है ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, हमारे जैसे 25 लोग भी नहीं करते मिलके, ठीक है। तो ध्रुव, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ध्रुव, एक ही आदमी बोल रहा है तो मेरे को उसकी बात करनी पड़ जाती है। इन टोटैलिटी क्या आपको लगता है, क्या आपकी पोजिशन है ये कि हम किसी टाइप की डिक्टेटरशिप के नजदीक हैं, उसके भीतर हैं, या ये सिर्फ बेकार मैन्युफैक्चर्ड कॉन्ट्रोवर्सी है? पहले डिक्टेटरशिप को डिफाइन कीजिए, आपके हिसाब से क्या होती है डिक्टेटरशिप? ठीक है, ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से डिक्टेटरशिप के, और एटलीस्ट मैं ध्रुव की साइड से बात कर रहा हूँ, दो फॉर्मेट हो सकते हैं। एक तो तथाकथित बिल्कुल आपने कह के डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर रखी है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हट गया है, जो डिक्टेटर कह रहा है, जो ऊपर से तानाशाह ने बोला है वैसा वैसा होगा, एक्सेप्शन क्रिएट होंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है, कोई बाय द बुक कुछ नहीं कर रहे हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, the appearance of democracy is intact, जहाँ पे हम नॉर्मल आदमी इधर उधर चलते हुए कह सकते हैं कि भैया हमारे पास बहुत फ्रीडम है, कि हम वोट कर सकते हैं जिसको हम वोट करना चाहते हैं, कि जो हमें सुनाई दे रही है मीडिया से आवाज़ और बातें, वो एक्चुअली एक फेयर डिस्कोर्स का पार्ट है, एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी प्रिजर्व्ड है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस बेसिस पे वोटिंग और कैंपेनिंग होती है वो करप्ट और फेयर मीन्स, वो अनकरप्ट और फेयर मीन्स से होती है, बट एक्चुअली the underlying principles, जो underlying mechanisms हैं, जो deeper parts हैं हमारी society के, वहाँ पर decisions have already been made, वहाँ पर corruption is rampant and it is sort of confirmed कि चीज़ें एक ही direction में जा रही हैं। तो the appearance of democracy is intact, but in fact
एक लेवल ऑफ लाइक द फ्रीडम इज लॉस्ट, डेमोक्रेटिक फ्रीडम इज कम्प्लीटली लॉस्ट. तो ये दो डेफिनेशन पे हम खेल सकते हैं. आपको क्या लगता है इन डेफिनेशन के बारे में? डेफिनेशन आपके बिल्कुल परफेक्ट हैं. इस तरह के एग्जांपल्स भी आपको विश्व मिल जाएंगे, लेकिन भारत में नहीं मिलेगा. पहला कि एक आदमी जो है अपने मन से चला रहा है, वो नहीं हो ही नहीं रहा, होता हुआ नहीं. दूसरा कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो पिलर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं. बट हम चुनाव करवा रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं. तो भारत में ऐसा भी नहीं है कि एक ही केंद्रीय सत्ता ही है. स्टेट वाइज भी चेंज है. फेयर एंड स्क्वायर जीत रहे हो, जहां आपके जीतने के चांसेस नहीं होते वहां आप जीत रहे हो. एक दर्जन से अधिक राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, या उससे मतलब एनडीए की सरकार नहीं है. यार कौन सा ऐसा डिक्टेटर है जिसने इंस्टीट्यूशंस को इतना कम मैनेज किया है कि मतलब साउथ में तुम्हारा प्रेजेंस ही नहीं है एक तरह से. वो यूजफुल इडियट कैटेगरी में नहीं जाते? नहीं नहीं, कैसे जाएगा? क्यों सत्ता क्यों छोड़ देगा? सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता. उसमें भी साउथ के राज्यों की सत्ता, जहां से सबसे अधिक रेवेन्यू एक तरह से आता है. तो आप जो आपका गोल्डन गूज रहेगा उसको क्यों आप छोड़ दोगे? Maybe to preserve the appearance of democracy. ये अब इसमें क्या है ना कि वामपंथी जो है शब्दों का प्रयोग बड़ा बढ़िया करते हैं. ध्रुव राठी का ही वीडियो आप देखेंगे, उसमें उसने पहले बोल दिया कि डिक्टेटरशिप आ गया, फिर जब उसको काउंटर किया नहीं 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 वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट. इस तरह सॉफ्ट जो चीज टेंजिबली या फिर डेटा से प्रूव नहीं की जा सकती वो बोलेंगे. जैसे कि वेस्ट का वीडम इंडेक्स एक आता है, 16 लोग मिलकर के 1000 लोगों से बात करके डिसाइड कर ले रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम कैसा है भारत में. एजुकेशन का इंडेक्स तुम बनाते हो, उसमें अफगानिस्तान ऊपर में था. हमें क्या समझ में नहीं आता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो? हैप्पीनेस इंडेक्स जो है श्रीलंका, जिसकी इकोनॉमी बर्बाद है, बांग्लादेश का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है भारत से अच्छा है. पाकिस्तान का, पाकिस्तान का मजाक कर रहे हो यार. सही पकड़े. और ये लोग जब बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी का अपीयरेंस है, एक और शब्द आया था इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी. जब ऑटोक्रेसी नहीं इनसे हो पाएगा तब ये बोलेंगे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी. ये नए टर्म्स डिवाइज करते हैं बिकॉज पुराने टर्म्स की जो परिभाषाएं हैं ना उनके उदाहरण इसको यहाँ पे नहीं मिलते हैं. तो वही यहाँ पे आएगा कि हम नहीं जीत रहे हैं, हम 10 साल से नहीं जीत रहे हैं. तो क्या बोला जाए यार, ये तो अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी है. एक्चुअल में ये क्या जीत नहीं पा रहे आप तो वोटर्स की कलेक्टिव विजडम को अब्यूज कर रहे हैं. पॉइंट, तुम्हें 70 में से 67 सीटें दिल्ली में मिल जाती हैं तो तुम वहाँ का वोटर बड़ा अच्छा होगा. दिल्ली हिमाचल में तुम चुनाव जब जीत जाते हो बढ़िया हो. कर्नाटक जीत रहे बहुत अच्छा. तुमने एनसीपी के साथ अलायंस करके, शिवसेना के साथ अलायंस करके एमबीए गवर्नमेंट महाराष्ट्र में चला दी, वहाँ सब वोटर अच्छा हो जाता है. अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी तब नहीं है जब तुमने प्री पोल अलायंस किसी और के साथ किया, उसके चेहरे पे तुमने चुनाव जीते और मिडवे जाके तुम जो है स्विच कर जाते हो. तो एक तरफ की चीज तुम हटा दोगे और दूसरे तरफ पे जब तुम्हें काउंटर पॉइंट्स नहीं मिलते हो तो तुम टर्म्स का यूज करते हो. अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो गया. मीडिया वाले इसी की बातें कर रहे हैं. एक जुबैर ने भी शेयर किया था, आप स्क्रीन पे लगाइएगा उसका खोज करके, अभी नहीं मैं, आप एडिटिंग में लगा देना. मोदी जी का इंटरव्यू ANI के साथ हुआ और 6-7 टेलीविजन चैनल पे वो चल रहा है, तो उसने वो किया. कोई आदमी कितना मूर्ख हो सकता है कि यार भारत के प्रधानमंत्री का वो इंटरव्यू है. इट इज ऑब्वियस कि इवन दोज चैनल्स जिसके ऑनर्स हेट करते हैं मोदी को, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस दे विल रन दैट इंटरव्यू. फेयर, वोंट दे? या हम भी रन करेंगे, आप भी रन करेंगे अगर आप मीडिया बिजनेस में. उसने लिखा गोदी मीडिया, वाह. इस लेवल के स्टूपिड इंडिविजुअल्स morons जो है, दे आर ड्राइविंग देयर डिस्कोर्स. जो उनके लिए स्टार प्राइम मिनिस्टर है वो, एक तरह से जो आपने बोला ना कि ध्रुव राठी स्टार होगा वामपंथ के लिए. और वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. उसके वीडियो का एडिटिंग हर एक चीज, ही पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. जो भी उसकी टीम है, जो भी करता है उसके लिए, वो अकेला नहीं कर रहा है दैट पार्ट. लेकिन जो नैरेटिव वो ड्राइव कर रहा है ना, दैट इज बिल्कुल बुलशिट है. और अगर उसके नैरेटिव का, आपने बोला ना सबसे बड़ा इस्टा, कोई इम्पैक्ट पड़ता ना तो भाजपा चुनाव नहीं जीत रही होती. एक क्लेम क्या करता है कि यार हमारे 2.5 करोड़ लोगों ने देख लिया. अब ये कौन सी लॉजिक हुई कि राहुल गांधी के
ट्विटर पे इंगेजमेंट एक महीने का ज्यादा है नरेंद्र मोदी, उसको बना दे प्रधानमंत्री या फिर इलेक्शंस होंगे यहाँ पे। तो ये सब जो कहा जाता है कि मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, तो मीडिया यार हर तरह के लोग होते हैं, मीडिया बिजनेस है, धंधा है मीडिया। वही दैनिक भास्कर जब या दैनिक जागरण, आप मध्य प्रदेश में उनकी कवरेज देखिए, जो ही कमलनाथ की सरकार आती है उधारा अलग बदल जाती है, सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ, फिर भाजपा की आएगी फिर वो भाजपा के साथ हो जाएंगे, उनकी तरफ सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल है कि आपको देखना है ना कि भाई मुझे सर्वाइव करना है, मेरे बिजनेस इंटरेस्ट कैसे सधते हैं, किसके साथ, तो आप उसके साथ होंगे। और यही है इलेक्टोरल बॉन्ड में भी, पैसा आप जीतने वाले घोड़े पे लगाते हो, कैंसरस और दो टांग गवा चुके घोड़े पे कोई नहीं लगाता पैसा, तभी उनको इतना कम हैरत हो रही है कि 1421 करोड़ कांग्रेस को किसने दे दिया भाई। मतलब ये तो इन लोगों में किसको अभी भी भविष्य दिख रहा है, पता है वो हुआ क्या होगा, 10 करोड़ लगाने होंगे, 8 लगा दिए इतने वाले पे, 2 लगा दिए, चलो भाई उसका भी दिल रख लिया जाए, देखी जाएगी। हाँ स्टेट में तो है ही इनके गवर्नमेंट, तो उस हिसाब से तो वही बातें मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर ये भी कहोगे कि अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला जा रहा है, यार तुम अपोजिशन लीडर्स ने किया क्या है, उस एस्पेक्ट को कैसे इग्नोर कर सकते हो? भैया भागेंगे नहीं, एक-एक करके बात करें। अरे इंटरेस्टिंग, आगे अगला मोड भी और इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। देखो जेल में जा रहे तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं है ना कि बिना कोई छोटी मोटा हल्का फुल्का भी संदेह के बिना ही वो कह देगा कि नहीं कोर्ट तो वो हम तो हियरिंग करेंगे, उनके सामने कुछ जाएंगे तभी तो फिर वो फाइल लगेगी कि हाँ इनको पेश किया जाए। नहीं, जब वो कौन है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, जब वो राजनाथ सिंह थे उनके मदर के इतना तब तो जाने भी नहीं दिया था उन्हें, मतलब उन्होंने बोलता कि मुझे अंतिम संस्कार के लिए भी मतलब जाने नहीं दिया था, मैंने सब कुछ अपना सिर मुंडन वगैरह सब जेल में करवाया, मिलने भी नहीं जाने दिया था। ठीक है, वो जेल गए तब एंड ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, उन्होंने ये चीज बोली थी। और ये हमें हिटलर वो बोलते हैं कि हिटलर हमें बोलते हैं, ये उन्होंने ये चीज, इनका क्लियर इंटरव्यू है जब अमित शाह जी याद है उनके ऊपर भी, और मोदी जी को भी चार चार पांच पांच घंटे ग्रिलिंग चलती थी वहां पर, चलती थी जब वहां पे, तब ये सब चीजें नहीं थी, तब तानाशाही और डिक्टेटरशिप तब नहीं था। अभी अब एक लीडर वो गया जिसके अगेंस्ट खुद कांग्रेस उठ उठ के बोलती थी इनका ये उठाओ ये स्कैम उठाओ उठाओ। इस डिक्टेटरशिप वर्ड का लोगों को मतलब नहीं पता होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज आज ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। बहुत अच्छा बोला कि भैया एक ही ट्विटर फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो उसको बना दे, बात बता जैसे इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग है, तो वो कल को पीएम वो कर दे उन्हें। क्या होता है कि जब वोटिंग होती है ना तो बहुत बड़ा देश है, वहाँ के लोगों को पता है, गांव के लोगों से जब आप जाके पूछोगे ना कि उन्होंने हर सरकार देखी है, उनको ये देखा कि किस सरकार ने बेहतर काम किया है, उस हिसाब से लोग वोट करते हैं। नहीं तो YouTube के व्यूज के हिसाब से अगर वोट डालेंगे तो इंडिया की कितनी परसेंटेज है, 2 करोड़ व्यूज, और क्या वो सारे, और क्या वो सारे इंडिया के होते हैं, क्या वो सब 18 प्लस है, या क्या वो सारे इंडिया के होते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, डेमोक्रेसी इसलिए कहा जाता है कि सब जो लोग वोट डालने जा रहे हैं ना वो हर एज के हैं, 18 के भी हैं, 20 के भी हैं, 50 के भी हैं, 75 के भी हैं, उनको ये पता है कि उन लोगों ने, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वक्त देखा है। तो और पता है जब वोट डालने जाते हैं तो पेरेंट्स बच्चे से बैठ कर डिस्कशन भी करते हैं घर में कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, एग्जांपल कोई बच्चा ध्रुव भाटी का पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, कोई बच्चा मोदी जी का पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, कोई बच्चा रखेगा राहुल गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का पेरेंट बीजेपी की साइड लगी, तो फिर जो निकल, जो एक वो हेल्दी कन्वर्सेशन होती है ना उससे भी कहीं ना कहीं एक इंसान बहुत मेच्योर हो जाता है। क्योंकि जब आप वीडियो देख के निकलते हो तो सिर्फ आप एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके निकल रहे हो, लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स का एक्सपीरियंस देखते हो, घर में बूढ़े बुजुर्ग का एक्सपीरियंस देते हो। जिस दिन रिजल्ट आया था ना उस दिन तेरे को याद होगा, मैं इंटरव्यू देके आई थी जॉब के लिए, तो वो जो कैब ड्राइवर था तो मतलब उस पर चला रखा था उसने, वो आते रहते ना पोलिंग, जब पोलिंग, वो बोलते रहते उसने चला रखी थी उस पर, तो तब मैं ऐसे ही पूछा उसने, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा और भैया कौन आ रहा है, तब मुझे इतना, तब यूट्यूब पे भी नहीं है, उसने बोला कि मैम हमारी तो मतलब गांव से था, पूरी जो उसकी फैमिली है तब जाए वो सब कांग्रेस को देते हैं वोट। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा भैया फिर क्या लग रहा है, कह रहा मैम हमने तो जिसको दी थी वो जीत रहा है, मतलब उसके खुद के और उसके जो गांव के लोग थे, उसके ताऊ जी वगैरह जो थे, प्लस जो उसके पापा थे वो कांग्रेस को देते थे, हमारे जो पिताजी थे वो उनको वोट देते थे, ये वो दे रहे हैं, बोला कि सबका अलग अलग होता है और हमने जिनको दिया वो जीत रहे हैं। ये कोई इंडियन क्रिकेट टीम नहीं है कि जिसमें आप भेड़ चाल कि आप इंडियन टीम को जब सपोर्ट करते हो तो आप ये नहीं देखते उसके अंदर हिंदू खेल रहे, मुस्लिम खेल रहे, क्रिश्चियन खेल रहे, सपोर्ट करते हैं, ऐसी चीज है, इलेक्शन मतलब ये चीज आप किसी पे जैसे नहीं सकते कि नहीं हम उन्हें पसंद करते, इसमें जागरूक जरूर हो सकते हो। हाँ, कौन अच्छा कर। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आते हैं, बाय बाय, टेक केयर।